जो काम आज दिल्ली के अंदर हो रहा है वो 75 साल के अंदर नहीं हुआ, और अगर 75 साल में हो गया होता तो हमें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कोई शौक नहीं था राजनीति के अंदर आने का। आज दिल्ली मॉडल की चर्चा पूरे देश के अंदर है, किसी कोने में चले जाओ, गांव गांव के अंदर किसी कोने में चले जाओ। अभी थोड़े दिन पहले कोई आया था, एक बहुत बड़ा नेता, वो बता रहा था बिहार के गांव गांव में आप चले जाओ, वहां भी कहते हैं यार स्कूल तो हमें दिल्ली वाले चाहिए, स्कूल तो हमें दिल्ली जैसे चाहिए। पूरे देश के अंदर आज चर्चा हो रही है। तो आज दिल्ली मॉडल बिजली ठीक कर दी, पानी ठीक कर रहे हैं, पानी में भी काफी काम करना बाकी है, दिल्ली बिजली ठीक कर दी, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सड़कें ठीक कर रहे हैं, सड़कें सीवर ठीक कर रहे हैं, बहुत सारे काम आज दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। ऐसे काम हो रहे हैं जो एक सशक्त राष्ट्र की बुनियाद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि 1950-1960 में हो जाने चाहिए थे। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जानी चाहिए थी, हर व्यक्ति के लिए अच्छे इलाज का इंतजाम हो जाना चाहिए था, वो काम आज हो रहे हैं। आज दिल्ली मॉडल, आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल आज पूरे देश को एक दिशा दिखा रहा है। और ये मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं तीन सेक्टर्स का जिक्र करूंगा, एजुकेशन, हेल्थ और इलेक्ट्रिसिटी। कई सारे जिक्र किए जा सकते हैं, ये तीन सेक्टर्स का मैं जिक्र करूंगा कि किस तरह से इन तीन सेक्टर्स ने में दिल्ली में जो काम हुए हैं उससे पूरे देश का कैसे उद्धार हो सकता है, पूरे देश का उस मॉडल से कैसे विकास हो सकता है। आज अगर हमने दिल्ली के अंदर गरीबों के बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दे दी तो पूरे देश में भी दे सकते हैं। पूरे देश में आज क्या मॉडल चल रहा है, गुजरात के अंदर पिछले कुछ सालों में 6,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, आसाम के अंदर कोविड के बाद 4,500 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। ऐसा नहीं कि वहां पे पॉपुलेशन कम हो गई है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, गरीब भी बढ़ रहे हैं, गरीब भी बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। और स्कूल खोलने की जरूरत थी, और स्कूल खोलने की बजाय अगर 6,000 स्कूल इधर, बाकी का मेरे पास डेटा नहीं है, हर राज्य के अंदर यही चल रहा है, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। क्यों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है सरकारी स्कूल बंद कर करके, सरकारी स्कूल बंद कर करके आपके बच्चों को फोर्स किया जा रहा है कि प्राइवेट में भेजो। एक तरह से शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन की ओर पूरा देश चल रहा है, दिल्ली छोड़ के जबरदस्ती की जा रही है, गरीब आदमी को जबरदस्ती की जा रही है कि अपने बच्चों को प्राइवेट में भेज, अब सरकारी स्कूल नहीं होंगे, ना टीचर है वहां पे, ना पढ़ाई है वहां पे। 350 स्कूल बताते हैं वहां पे ऐसे हैं जिसमें एक क्लासरूम है, गुजरात के अंदर एक क्लासरूम में पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सारे बच्चे एक ही क्लासरूम। दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में अच्छे क्लासरूम है, अच्छे डेस्क है, स्मार्ट क्लासरूम है, बहुत अच्छे, अच्छा स्कूल, बहुत अच्छे स्कूल है। तो आज ऐसी हालत है, एक तरह से पूरा देश के अंदर मॉडल अब यह है कि प्राइवेटाइजेशन के दौर की तरफ धकेला जा रहा है, बच्चों को फोर्स किया जा रहा है, गरीबों को फोर्स किया जा रहा है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल अब बंद करेंगे, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजो। ऐसे में दिल्ली एक उदाहरण है, दिल्ली एक मॉडल दिखाती है। अध्यक्ष महोदय, मैंने कैलकुलेशन करी है, हमने दिल्ली में जितने शानदार स्कूल बनाए, देश में 1,000,000 सरकारी स्कूल हैं जिनमें 17 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। 5,00,000 करोड़ रुपए के अंदर देश के सारे सरकारी स्कूल शानदार बनाए जा सकते हैं, मात्र 5,00,000 करोड़ के अंदर। 5,00,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के लिए कुछ नहीं होते, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल मान लो 1,00,000 करोड़ रुपए भी हर साल खर्च करोगे तो 5 साल के अंदर 1,00,000 करोड़, और आधा अगर आप कह दो भाई राज्य सरकार देगी आधा हम देंगे तो 2,50,000 करोड़ रुपए लगेंगे केंद्र सरकार के। 5,00,000, मात्र 5,00,000 करोड़ रुपए के अंदर में हम इस देश के हर बच्चे को, 17 करोड़ बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उनको अच्छा भविष्य दे सकते हैं। और 5 साल में अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, इस देश से गरीबी दूर हो जाएगी। गरीबी को दूर करने का, इस देश से गरीबी खत्म करने का मैं एक रामबाण तरीका दे रहा हूं। भाषण देने तो बहुत आसान है, गरीबी हटाओ फलाना, इस पार्टी ने भी बहुत भाषण दिए, उस पार्टी ने भी बहुत भाषण दिए, गरीबी दूर करने की इच्छा किसी की नहीं है। आज मैं आपको इस सदन के माध्यम से पूरे देश को एक मॉडल दे रहा हूं कि जो स्कूल हमने सरकारी स्कूल दिल्ली में बनाए, इतने अच्छे शानदार, प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे, बड़े बड़े नामी गिरामी प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे, स्विमिंग पूल वाले, लिफ्टों वाले,
और स्मार्ट बोर्ड वाले क्लासरूम जो हमने बनाए मात्र 5 लाख करोड़ रुपए के अंदर गांव गांव के अंदर शानदार सरकारी स्कूल बनाए जा सकते हैं।